अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक ठाक हूँ। मैं नूर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बना रहे हैं आलू पालक, और आलू पालक के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हम आ चुके हैं मेरी रेसिपी की तरफ। चार अदद मैंने आलू लिए हैं, दो प्याज हैं, दो टमाटर हैं और चार पांच सब्ज़ मिर्चें हैं। तो पालक को मैंने काट के अच्छी तरह धो के तो उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। असल रेसिपी इसकी यही है कि हम पालक को पहले बॉईल करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको पकाएंगे। तो मैं ये मसाला काट लूँ, काट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पालक बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैं मसाले की कटिंग कर लूँ, कटिंग करके फिर आपको स्पाइसिस वगैरह दिखाती हूँ। और मेरे किचन में चलते हैं हम आज की हमारी रेसिपी बनाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने किचन में आ चुके हैं और मैंने प्याज कटिंग कर लिया है, टमाटर सब मेरे सब कटिंग कर लिए हैं। और ये है हमारी पालक, इसको मैंने पहले बॉईल किया है, बॉईल करके फिर मैंने इसको ग्राइंड किया है। और देखिए इसका कितना प्यारा कलर है। अब हम मसाला फ्राई करेंगे और करके उसमें पालक डाल देंगे और साथ ही में आलू डाल देंगे। तो चलते हैं फिर आज क्या हमारा खाना बनाने की तरफ। ऑयल मैंने ऊपर रख दिया है, वो जैसे ही गर्म होता है इसमें प्याज ऐड कर देती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है। जैसे ही अब हमारा प्याज थोड़ा सा फ्राई होता है तो इसमें मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड करती हूँ। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं और इसमें अब मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड करने लगी हूँ, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और साथ में हम अपने नमक मिर्च भी डाल देंगे। नमक मिर्च मैंने एक चम्मच नमक और एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच मिर्च ली है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं अब इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड करती हूँ। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं और इसके साथ ही अब मैं नमक मिर्च और हल्दी हमारी ऐड कर दूँगी, और साथ में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से नरम हो जाए। फिर हम इसमें पालक ऐड करेंगे। मसाला हमारा कुछ इस तरह का हो चुका है, आपस में यकजान हो चुका है सारा। तो अब इसमें मैं यहाँ पर आलू ऐड करूँगी। आलू इसलिए ऐड करूँगी कि आलू हमारे कच्चे हैं और पालक जो है वो हमने बॉईल की हुई है, उसने तो जल्दी से पक जाना। आलू हमारे कच्चे हैं तो आलू गल जाएंगे। जैसे आलू गल जाएंगे साथ ही हमारा मसाला भून जाएगा, उसमें अच्छी तरह हम आलूओं को भून लेंगे और फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो उसके बाद हम इसमें पालक ऐड कर देंगे तो हमारा सालन रेडी हो जाएगा। अब मैं इनको हल्की सी स्टीम दूँगी ताकि आलू हमारे गल जाएँ और हमारा मसाला भी फ्राई हो जाए और आलू भी गल जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी में इसमें ऐड नहीं कर रही है, देखिए अभी पानी इसमें है, इसी में हमारे आलू गल जाएंगे। ये देखिए आलू और मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें पालक ऐड करने लगी हूँ और पालक ऐड करके हल्की सी स्टीम देंगे और हमारा सालन रेडी हो जाएगा, क्योंकि पालक हमारी बॉयल है और आलू भी हमारे गल चुके हैं। बस हम स्टीम देनी है और सालन हमारा रेडी हो जाना है। अब मैं इसमें पालक ऐड करने लगी हूँ और इसको स्टीम देने लगी हूँ। ये देखें पालक मैंने इसमें ऐड कर दी है और तकरीबन हमारी रेसिपी आज की रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको हल्की सी स्टीम दूंगी ताकि मिर्चें नमक जितना भी मसाला है वो इसमें रच जाए अच्छी तरह से पालक के अंदर, और घी अच्छी तरह से निकल आए और पालक हमारी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। हल्का सा मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि ये बिल्कुल सही इसमें हर चीज़ मिक्स हो जाए। और फिर इसको फुल रेडी करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज की हमारी रेसिपी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी पालक रेडी हो चुकी है। आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। और असल रेसिपी तो ऐसे ही है, ऐसे ही पालक बनती है। आलू मेथी की तरह कई लोग पालक बनाते हैं, वैसे पालक नहीं बनती। आप इसको ट्राई कीजिएगा, इस तरह ही पालक का बनाने का तरीका है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। शब्बा खैर।